हमारे सरपंच हैं, जनप्रतिनिधिगण हैं, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो ये हम काम कर रहे हैं फैमिली हेल्थ प्लानिंग का, इसका जो बेनिफिट होगा ये आगे वाली जनरेशन को देखने को मिलेगा। आप जो काम कर रहे हैं उसका जो इतिहास है, अगर हम देखें तो ये पिछले 20 सालों से जो हमारा देश है इसके लिए प्रयासरत है कि हम जो है अपना फैमिली प्लानिंग जो है उसको अपना पूरा ध्यान दें उस पर। हमारा TFR है, टोटल फर्टिलिटी रेट है, उसको हम 2 के नीचे लेके आए किसी तरीके से, और इसमें काफ़ी उमदा काम भी हुआ है अगर हम देश के आंकड़े देखें। हनुमानगढ़ पर्टिकुलरली बिकॉज प्रोग्रेसिव एरिया है, देर इज़ मोर एजुकेशन हियर, तो लगातार हम देखते हैं कि इस एरिया में हम अच्छा काम करते हैं, हमेशा सम्मानित होते हैं। आप जो काम करते हैं फील्ड में उसका श्रेय हमें मिलता है राज्य स्तर पे, और आपके करके डॉक्टर साहब, एडिशनल CMHO, CMHO साहब सब लोग जयपुर लेवल पे गए और उनको आपके काम करके सम्मान मिला। मुझे भी एक अप्रिसिएशन लेटर मिली, तो हमें ऐसा लगा कि क्योंकि आप लोग हैं जिन करके ये काम हो रहा है, तो हमें एक छोटा सा समारोह करके आपको फैसिलिटेट करना चाहिए और आपको धन्यवाद करना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल में रखें। अभी जैसे आप देखते हैं कि जो हमारा यूथ है, वो जो परसेंटेज ऑफ यूथ है या यंग इंडिया है, वो इतना ज़्यादा है कि वो एक कंट्री के लिए चैलेंज हो गया है कि हम उसको किस प्रकार से हम उनको फैसिलिटेट कर सकें, उनको इतनी जॉब क्रिएशन कर सकें, इतना उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर सकें। सिमिलरली अब ये जितना भी यूथ है ये सारा ओल्ड एज में जाएगा, फिर ये देश के लिए एक और चैलेंज रहेगा कि इतने ज़्यादा बुजुर्ग जो हमारी पॉपुलेशन होगी उसके लिए इतना ज़्यादा हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर ये देश कैसे स्पेंड करेगा उसके ऊपर, कैसे हम उनका सोशल सिक्योरिटी मैनेज करेंगे। तो अगर आगे वाले पर हम जनरेशन देखें, आज से 20-25 साल जो आपने अभी काम किया है, तो वो जो भार है इस देश पे कम पड़ेगा, तो हम ज़्यादा तरक्की कर पाएंगे और ज़्यादा हम जो है जो हमारा सपना है कि हम एक ग्लोबल पावर बने, वो हम जल्दी साकार कर पाएंगे। तो आप जो सारा काम कर रहे हैं वो बहुत सराहनीय है। हनुमानगढ़ पूरे राजस्थान में 2 नंबर पर आया है, आपका जो काम है वो नेशनल लेवल पर भी अप्रिशिएट हुआ है, तो मैं एक बार पुनः आप सबको बधाई देना चाहूँगा। परिवार कल्याण में बेहतरीन कार्य करने वालों को सम्मानित करने के लिए जिला स्तरीय सम्मान समारोह आयोजित किया गया था। आप सभी को पता है कि हनुमानगढ़ जिला वित्तीय वर्ष 2022-23 में पूरे राज्य में मापदंडों के अनुसार द्वितीय स्थान पर रहा है परिवार कल्याण के क्षेत्र में, जिसके फलस्वरूप हनुमानगढ़ जिले को 11 लाख रुपये की पुरस्कार राशि दी गई है। इसी क्षेत्र में हमने नीचे के सभी कार्यकर्ताओं, सभी कर्मचारियों, अधिकारियों, जिन्होंने डॉक्टर्स जिन्होंने बेहतरीन कार्य किया उनको सम्मानित करने के लिए आज का ये सम्मान समारोह आयोजित किया था, जिसके फलस्वरूप हमने पूरे जिले में एक पंचायत समिति, जो पंचायत समिति संग्रिया प्रथम रही थी, उन्हें 2 लाख रुपये का इनाम तथा प्रशस्ति पत्र, उसके अलावा सभी पंचायत समितियों में एक एक ग्राम पंचायत जिन्हें 50,000 रुपये का इनाम तथा प्रशस्ति पत्र, तथा प्रत्येक जिले के अंदर 1 PSC, 1 CSC, 1 STH, इन सभी को 50,000 रुपये का इनाम तथा प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। उसके अलावा जिन्होंने सबसे ज़्यादा नसबंदी के केस मोटिवेट किए उन आशाओं को, तथा जिन ANM या नर्सिंग कर्मियों ने 20 से ज़्यादा नसबंदी केस प्रेरित किए उन्हें भी यहाँ पर सम्मानित समारोह आयोजित किया। यह सम्मान समारोह जिला कलेक्टर मैडम की अध्यक्षता में आयोजित किया गया, और इसमें हमने इसलिए आयोजन किया क्योंकि इसके थ्रू पूरे जिले में इस बात के बारे में जानकारी मिलनी चाहिए, सभी को पता चलना चाहिए कि परिवार कल्याण के मामले में हम हमेशा बेहतरीन कार्य कर रहे हैं, और लोगों को भी इससे प्रेरणा मिलनी चाहिए कि हम समय पर परिवार कल्याण के साधन का इस्तेमाल करें तथा एक सुखी जीवन को जी सकें। नाम डॉक्टर रवि किचन, अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी हनुमानगढ़।